जय जय नमस्ते करो, नमस्ते कर दो, नमस्ते, यस नमस्ते, ये नमस्ते कर दो, नमस्ते 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 करो ना, नमस्ते। ये इधर सबको नमस्ते कर दो, YouTube पे जितने भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना सारा सब्सक्राइब, इतना सारा करो, इतना सारा आज प्लॉट पे जा रहा है कुछ सामान, और ये हमारी बाइक है और आप देख सकते हैं ये बेसिंग है हमारा, डबल बेसिंग है, और ये जा किस तरीके से रहा है। ये मेरी बाइक है, बहुत गंदी हो गई, आज धुलवाऊंगा मैं। और ये पुट्ठू को देख सकते हैं कितना शैतानी कर रहा है अभी। बेसिंग जा रहा है प्लॉट पे लगने के लिए, तो इसको बैठना था तो इसको लोग बैठा लिए हैं, और इसको मजा आ रहा है। अब ये गाड़ी में बेसिंग रखने के लिए जा रहा था तो इसको बैठने का मन किया है, मुझे बैठ के वहाँ तक ले चलो घुमाते हुए। तो अभी आ गया है पुट्टू, उतर जाओ बेटा। अब देख सकते हैं आप लोग, मजा आ गया। हाँ वो हटा दो, वो सब हटा दो और उसको साफ कर दो। बोलोगे तुम, हमको समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है। अरे लड़ाई कर रहा है आज अंकित भाई से, तुम क्यों मारे हो हमें? इधर देखो, मारे क्यों हो, क्यों मारे हो हमको? इधर देखो, क्यों मारे हो? बता रहा है क्यों मारे, मारोगे आज ये अंकित भाई को क्यों बहुत मारा है, और हाँ उसका बाद दाढ़ी नोच दिया, बाल नोच दिया, और चार्जर बड़े से चार्जर से सर पे मार दिया है। बहुत अंकित भाई मार खाने के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और अभी देख सकते हैं इन दोनों में लड़ाई हो रही है, मैं दिखा रहा हूँ। मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, मारे क्यों हमको, हमको क्यों मारे, जबान लड़ाते हो तुम, क्यों जबान लड़ा रहे हो भाई, जबान क्यों लड़ा रहे हो, जवान क्यों लड़ा रहे हो, एक तो मारे भी ऊपर से जवान लड़ा रहे हो, प्रॉब्लम क्या है तुमको, प्रॉब्लम क्या है तुमको, प्रॉब्लम बता दो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनो तो, अरे भगवान क्या प्रॉब्लम है, ऐसे तो आंख करते हो यार तुम, डरा रहे हो क्या हमको, क्यों क्यों मारे हो, ये अपने जो भी फैमिली हैं यूट्यूब वाले बता, क्यों क्यों मारे हो अंकित को, मारे हो क्यों, मारे हो बता दो सबको। अच्छा ये निकाल दिया हूँ क्या, क्यों मारे हो बता दो सबको ना, मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसका कोई भी लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लेकिन करिएगा, कोशिश आप कर सकते हैं समझने की, क्योंकि हम लोग भी कोशिश समझ के बताइएगा हमको। देखिए यही लड़ाई होता है, अब वो मारेगा। क्यों मार रहे हो, मैं नहीं मारूंगा क्या तुमको, मैं मारूंगा, अब चुप हो जाना, बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं, आप देखिए अब ये खुद से मार खाएगा, आ जाओ फिर से हाँ, ऐसे कहाँ जा रहे हो, ऐसे हो जाओ, ऐसे ऐसे नीचे मुंडी, आओ फिर से आओ, सॉरी बोलो, जय बोलो, जय जय बोल दो, जय जय जय, नमस्ते करो, नमस्ते कर दो, नमस्ते, यस नमस्ते, ये
नमस्ते कर दो, नमस्ते 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 करो ना, नमस्ते से नमस्ते नमस्ते इधर सबको नमस्ते कर दो, YouTube पे जितने भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इतना सारा सब्सक्राइब, इतना सारा करो, इतना सारा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, हाँ सब्सक्राइब करो, नहीं करेंगे तो फिर आगे हम लोग देखेंगे ना, बिल्कुल मारा जाएगा, ऐसे मारोगे, ऐसे मारोगे तो फिर से मार लेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, सब्सक्राइब करवा दूंगा। तबीयत खराब होने की वजह से इनको नहीं समझ में आ रहा है कि थाली में खाना है। इसमें खाने से ये फायदा रहता है कि ज्यादा खा लेते हैं लोग, ज्यादा खा लेते हैं धीरे धीरे धीरे, अब बड़े बड़े लेते हैं, चार लोग बढ़ जाते हैं, फिर चार चार खाने के बाद पांचवा नहीं मन करता है। इसमें अब हर दो मिनट पे लेके 12-14 तक चले जा रहे हैं आराम से। ये क्या बना हुआ है? कचौड़ी, आलू। आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप जिस हिसाब से खा रहे हैं मुझे दिखाने का मन नहीं कर रहा है। अंकित भाई जी, क्या खा रहे हो आप? खा नहीं रहे, खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, खा रहे थे। और ये कुछ नए टाइप का कचौड़ी बना हुआ है। अच्छा, जो कि नया बनाई है। अच्छा, इसमें आलू है। अच्छा, मसाला है, मटर है, जो भी होता है आलू के पराठे में। तो वैसे आलू का पराठा ही है, हाँ खत्म हो गया है मेरा, लेकिन पराठा छोटा है, पराठा छोटा है ना। तो आप ये आलू कचौड़ी था ना? आलू कचौड़ी, हाँ। कैसा रहा? टेस्टी था। तो आप अपने टेस्ट के बारे में तो ठीक है, आप बिजनेस भी सोच लिए थे? हाँ, ना मैं ये सोचा था कि यार अगर ऐसे ऐसे कुक बोलते हैं ना जो बनाते हैं, हाँ तो थोड़ा सा हमारी अंग्रेजी भीख है। अच्छा अच्छा, तो ऐसे ऐसे बनाने वाले मिल जाए तो खोल सकते हैं हम दुकान। बढ़िया टेस्टी था, देख रहे हैं सारा खत्म हो गया इसमें। अच्छा, अगर इस तरीके का अच्छा कुक मिल जाए तो कितना कमाएंगे आप महीने में? मंथली बता दूं मैं, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए कमाएंगे, सेविंग ना? सेविंग, ठीक है ठीक है। बाकी आप यहाँ से बात कर लें, यहाँ से बात कर लीजिए, उसके बाद वो बता देंगे कि बनाएगी कि नहीं, क्योंकि बनाई हुई है। वैसे टेस्टी कचौड़ी था, आप लोग देख सकते हैं थाली को देख, खत्म हो गया है। 7-8 कचौड़ी के बाद भी थोड़ा सा बचा है, 7-8 नहीं था, 4 था। ठीक है, जो भी सोफा अकेले है, कोई बैठने वाला नहीं है। बाप रे बाप, व्हाट आर यू डूइंग गाइस? नथिंग। अच्छा नेहा, थोड़ा साइड हो, बाहर का मैं नजारा एक बार दिखाऊं यार इन लोगों को। देखिए हमारे किचन से कितना बढ़िया सीन दिखता है, पूरा बाहर एकदम फॉग इकट्ठा हो गया है। इतना ज्यादा फॉग है, इतना ज्यादा फॉग है ना कि मतलब आप, मैं जूम भी करूंगा ना तो ये पेड़ काफी मेरे घर के जस्ट, मतलब बाहर आ पाओगे ना घर के तो जस्ट बाहर में ही फॉग है, मतलब सॉरी पेड़ है, लेकिन पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज्यादा फॉग है। कैमरे में तो कुछ अच्छा भी दिखाई दे रहा है, रियलिटी में दिख रहा हूँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं दिखाओ क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेहा पाठक क्या कर रही है। मैं कुकिंग कर रही हूँ गाइस, जो कि मैं रोज करती हूँ। शिवाजी मेरे लिए मेड नहीं लगवा रहे हैं। तुम ही बनाओ। मुझे दोस्तों, मुझे जो खाना है ना वो मेड के हाथों का अच्छा नहीं लगता, बिकॉज जो मेड होती हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाती हैं और उनका टेस्ट मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि हम लोग हमेशा मम्मी लोगों के और अच्छे जो घर की औरतें हैं उनके हाथ से खाए रहते हैं ना, तो इसलिए मेड के हाथ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता हमें। तो आज मैं कुछ न्यू बनाई हूँ, और मतलब मैंने शिवाजी को बहुत बार खिलाया है बना के, लेकिन ये भूल जाते हैं खा के सबसे पहले, इसलिए मुझे मेड की जरूरत नहीं है। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी कचौरी बनाई हूँ, जो कि आलू की होती है और इसमें मटर भी होता है, बहुत सारा इंग्रेडिएंट होता है, बहुत ही ज्यादा यम्मी लगता है, और चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं एकदम मजे के। तो पहले मैं देखता हूँ कैसे बना रही हूँ आप, मतलब अपने गैस पे। अभी इसको मैंने ऐसे हाथ से किया है। तेल इतना काला क्यों हो गया है? इसलिए हो गया ना क्योंकि मैंने उसमें आटा जो लगा दिया ना उसकी वजह से काला हो गया है, जल जाता है। पहले आलू के पूड़ी वाला सिस्टम में बनाई हो, फिर इसमें मैंने कचौरी आटा गूंदा, उसमें मोयन दिया और फिर कचौरी बनाई। तो अंकित भाई आपसे बोले नेहा से पूछ लेना, 1,00,000 रुपए महीना मैं कमाना चाहता हूँ ऐसा ही कुक लेके। नहीं नहीं करना चाहती हो तुम काम? मतलब हम लोग ये सब करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओके।
और खास तौर पे मैं करूंगी, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगेगा। मुझे वैसे कुकिंग करना बहुत ही पसंद है, आपको ही पता है कि मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो लेकिन इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि मैं रोज बना के बेचूं अपने खाने के लिए कर लूंगी। बहुत इतना भाई झूठ बोल रही है। अच्छा नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच सच बोल रही हूँ। चलो ठीक। और आप लोग को भी अगर खाना होगा तो बताइएगा, मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। किसी दिन पार्टी दो अपने जो भी व्यूअर्स हैं। हाँ दूंगी यार, ये लोग तो मेरे वीडियोस पे लाइक्स ही नहीं करते ना कमेंट करते हैं, तो कैसे पार्टी दे दूँ। हाँ गाइज आप लोग जल्दी से इसका 1 मिलियन पहुँचाइए और वीडियो को देखिए पूरा पूरा, और ये देखिए कि किसका किसकी तरफ से ज्यादा वीडियो देखा गया है। हाँ। उनमें से 10 लोगों को पार्टी में बुलाएगी। पूरा वीडियो देखिए नॉन स्किपेबल। ठीक है ऐसी बात है फिर। ठीक है और अब हम लोग खाना खाएंगे। और पुट्टू का आप लोगों ने बदमाशी देखा है कि बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई किया है, हद बदमाश हो गया है, बोल नहीं रहा है, ऐसे ही बोल रहा है बस। बहुत ज्यादा लड़ाई किया है दीप भाई साहब, बहुत झगड़ा करना सीख गया है वो, लग रहा है अपने पापा अब चला गया है। अच्छा बेटा ठीक है तुम बनाओ, मैं चलता हूँ दिखाता हूँ पुट्टू का है पहले। गाइस इधर पुट्टू को ओ टीटी क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहा है पुट्टू? इंजीनियर पुट्टू अपनी जितने खिलौने हैं ना सबके साथ इंजीनियरिंग कर रहा है अभी, ये उसको निकालता है तोड़ता है। नहीं काटो मत उसको, वो तुम्हारे दांत से नहीं कटने वाला बेटा, वो हार्ड प्लास्टिक का होता है। अच्छा ये बादाम खा रहा है चोरी चोरी। तुम्हारा घोड़ा पुट्टू वहां पे है। चलिए अब आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, चलिए बाय बाय। आप लोगों को बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो।